पहले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राम प्रवेश, उप कृषि निदेशक। इस समय जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि शीघ्र ही आने वाली है, तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि जिन्होंने ईकेवाईसी ना कराया हो वो अपना ईकेवाईसी जल्द से जल्द करा लें, और यदि उन्होंने एनपीसीआई नहीं कराया है तो बैंक में अपना आधार और बैंक की पासबुक ले जाकर बैंक से अपना एनपीसीआई कराकर डीबीटी एनेबल करा लें, क्योंकि अगर ये दो काम नहीं कराए हैं तो क्या कहते हैं, अगली किस्त में आपकी समस्या आ सकती है। इसलिए ये दो काम आप अनिवार्य रूप से करा लें। इसके साथ साथ यदि किसी किसान भाई के वारिसान से ज़मीन उनके बच्चों के नाम आई हो तो वो भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई बच्चा है और वो 18 साल से बड़ा है, चाहे बेटी हो या बेटा या बहू, और उसके नाम ज़मीन 1 फरवरी 2019 से पहले की क्रय की गई है, तो वो भी सम्मान निधि का फॉर्म भर सकते हैं। वारिस से कभी भी ज़मीन आई हो वो फॉर्म भरने के पात्र हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपना आधार, बैंक की पासबुक और खतौनी ले जाके जन सेवा केंद्र से फॉर्म भर देना है। वह फार्म सीधे तहसील पहुंच जाएगा, तहसील में भूमि की जांच होगी और वो आपको जांच करने के बाद फार्म हमारे कार्यालय को बढ़ा देंगे। तो फिर मेरे ऑनलाइन मेरे पोर्टल पे आ जाएगा, मैं अपने पोर्टल से आपसे घोषणा पत्र लेकर, हमारा कर्मचारी जाएगा आपके पास, आपसे घोषणा पत्र लेगा, और घोषणा पत्र लेने के पश्चात हम आपका फार्म आगे फॉरवर्ड कर देंगे लखनऊ के लिए, और लखनऊ से होता हुआ आपका डाटा दिल्ली चला जाएगा, और जो भी अगली किस्त आने वाली होगी उसमें आपकी सम्मान निधि आ जाएगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि 3 काम जरूर कर लें। एक तो आप अपना एनपीसीआई करा लें, ईकेवाईसी करा लें, और अगर अभी तक आपने सम्मान निधि का फॉर्म नहीं भरा है तो आप अपना सम्मान निधि का फॉर्म भर दें। पति पत्नी और नाबालिग बच्चे में से एक व्यक्ति को ही सम्मान निधि मिलेगी, इसलिए एक ही लोगों को फॉर्म भरना है। इसमें आयकरदाता अपात्र है तो आयकरदाता इसमें फॉर्म न भरें। बहुत बहुत धन्यवाद।